लास्ट टाइम क्या बात करी बताओ? प्रिपरेशन हो गई थी सारी, है ना अपने, है ना? और आज हम बात करेंगे अदर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की, है ना, कुछ अदर मेथड्स ऑफ टू प्रिपेयर एल्डिहाइड कीटोन के अदर मेथड्स क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है? तो तुमने मान लो एल्काइन लिया आर इस टाइप का, तुम्हें याद है कुछ ऑफ रिएक्शन? अब मान लो मैंने वहां पे मैंने क्या लिया था बताओ, HgSO4NH2SO4 लिया था कुछ ऑफ में, है ना? मैंने अब क्या किया यहाँ पे THF ले लिया, B2H6 and THF and followed by H2O2 and OH- and water. क्या होगा, क्या बनेगा? It will follow which type of हाँ कुछ रॉक में क्या होता था, मार्कोनिक ऑफ टाइप एडिशन होता था. यहाँ पे जो अल्कोहल OH ग्रुप, क्योंकि अल्कोहल को याद करो अल्कोहल बनाता था ना यहाँ, है ना, डाइबोरेन के साथ हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन. तो यहाँ पे क्या होगा, H यहाँ OH यहाँ लगेगा, यहाँ यहाँ लगेगा, है ना, क्योंकि एंटी मार्कोनिक ऑफ टाइप काम करेगा. तो R यहाँ पे बनेगा RCH डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड CH OH. हाँ ये ना देखो, ये अब ये इनॉल बन गया कि नहीं बताओ मुझे, इनॉल बना. तो यहाँ से क्या होगा, H माइग्रेट कर जाएगा यहाँ, और ये डबल बॉन्ड इधर का टॉटोमेरिज्म हो जाएगा, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, और क्या हो जाएगा RCH2CHO. तो देखो ये एल्डिहाइड बन गया. इस मेथड से भी हम एल्डिहाइड बना सकते हैं टर्मिनल, ठीक है, नोट करो. तो ये फर्स्ट अदर मेथड्स टू प्रिपेयर एल्डिहाइड एंड कीटोन, ये ऐसे जनरल बता रहा हूं मैं जो छूट गया. अब आर और फिर हमने डबल बॉन्ड CH, यह काम करते हैं CH CH3 ले लेते हैं, और यहां पे हम ले लेते हैं CH3 CH3. बताओ क्या बनेगा, हॉट एल्कलाइन KMnO4 अगर मैं लेता हूं, है ना, ये क्या होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है कि नहीं? 11th में हमने पढ़ा था ये एल्कीन में प्रॉपर्टीज में. तो यहां से क्या होगा, ये टूटेगा कि नहीं बॉन्ड? वो इधर आएगा, एक वो इधर जाएगा, ये एल्डिहाइड बनेगा, और एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसमें, एसिड में. तो ये पार्ट जो है देखो, इधर से ऑक्सीडेशन हुआ, इसको एक ऑक्सीजन मिला, इसको ऑक्सीजन मिला, ये पार्ट तो ऑक्सीडाइज हो गया किसमें, एसिड में, तो CH3COH बन गया, है ना. और ये पार्ट कीटोन में ही तक ही रहा, क्योंकि कीटोन फर्दर ऑक्सीडाइज इससे नहीं हो गए, तो कीटोन बन गया कि नहीं अपना? कीटोन बनाने का एक और मेथड 11th क्लास से उठाया हमने, नोट करो, एल्कीन की प्रॉपर्टीज बताइए. ठीक है, फिर एक होता है ओपन और ऑक्सीडेशन. क्या होता है ओपन और ऑक्सीडेशन? इसमें क्या करते हैं हम लोग, एक कीटोन बनाए मान लो, जैसे CH3COCH3, ये कीटोन लिया और एक अल्कोहल लिया हमने R1CHOH ऐसे वाला R2, और इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया एल्युमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड. क्या लिया, या एल्युमिनियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड लिया, या एल्युमिनियम आइसो क्या लिया प्रोपॉक्साइड, और हीट किया, ठीक है, ऐसे लिख दे रहा हूं एल्युमिनियम IPRO3 एल्युमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड और हीट.
तो क्या होता है कि एक्सचेंज हो जाते हैं, ये एक्सचेंज हो जाते हैं, इसका OH इधर आ जाता है, ये डबल बॉन्ड O उधर चला जाता है, ठीक है। मतलब प्रोडक्ट बनेगा आर वन सी ओ आर टू प्लस सी एच थ्री सी एच ओ एच सी एच थ्री, समझ रहे हो मेरी बात। एक्सचेंज हो गया दोनों के सबस्ट्रेट में जो एल्काइल ग्रुप्स थे, तो इसलिए जो है हमें ये भी याद रखना है ओपन और ऑक्सीडेशन। यहाँ पे एल्यूमिनियम आइसो प्रोपोक्साइड लिया हुआ है, आइसो टर्शरी ब्यूटोक्साइड भी ले सकते हैं। तो ये 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट करने के काम आता है। ठीक है, इसकी खासियत क्या है, इट डज नॉट अफेक्ट डबल बॉन्डेड अनसैचुरेटेड पार्ट को अफेक्ट नहीं करता है, इसलिए इस रिएजेंट को लेते हैं। ठीक है, मान लो यहां पे कहीं आर पार्ट में डबल बॉन्ड होता तो उसको अफेक्ट नहीं करेगा, सिर्फ अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेगा और कीटोन को उधर रिड्यूस करेगा। ठीक है, तो ये सारी बातें हमने कर ली है। नेक्स्ट रिडक्शन बताया था मैंने, रिडक्शन से भी कर सकते हैं ना। ठीक है, तो एक क्वेश्चन करें ये बाद में करते हैं। ग्रिग्नार्ड एजेंट से बता दिया था मैंने, क्या बताया था ग्रिग्नार्ड, एस्टर प्लस ग्रिग्नार्ड एजेंट बताया था मैंने, नहीं नहीं ना। फोर्थ देखो, एक एस्टर ले लेते हैं आर सी ओ आर डैश और यहाँ एम आर एम जी एच ले लेते हैं। अब बताओ आप क्या रिएक्शन होगी, इससे क्या बनेगा। यहाँ हमने एक मोल लिया है ग्रिग्नार्ड एजेंट, बताओ क्या होगा। आर ना, ये R माइनस क्या होगा, इस पे जुड़ जाएगा तो कीटोन बन जाएगा, R C O R ये इस पे अटैक कर देगा ना भाई, ये ऊपर जाएगा फिर वापस जब गिरेगा तो OR भी निकाल देगा, तो OR डैश निकल गया और यहाँ पे R डैश, समझ में आ गई बात। कैसे लिखो, या M G X O R डैश, ठीक। तो ये हो गया, तो ये कीटोन बन गया फिर से, ये ड्राई इथर यहाँ कर दो, तो ये हमारा चौथा मेथड भी हो गया एक्स्ट्रा। ड्राई डिस्टिलेशन नहीं बताया ना, ऑफ सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, तो लिखो फोर्थ मेथड, फिफ्थ मेथड। इसमें क्या होता है, परसेंटेज यील्ड इस मेथड से क्या होती है, वेरी पुअर ऑफ एल्डिहाइड कीटोन, जो एल्डिहाइड कीटोन निकलते हैं उनकी परसेंटेज यील्ड ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड इज वेरी क्या पुअर, इसलिए मेथड बहुत अच्छा मेथड नहीं है। जैसे हमने लिखा आर सी ओ ओ होल ट्वाइस सी ए प्लस प्लस एच सी ओ ओ होल ट्वाइस सी ए और हीट किया, बताओ क्या बनेगा।
क्या बनेगा? इसको ऐसे लिख सकते हैं RCOO CA, हाँ या ना? और इसको कैसे लिख सकते हैं HCOO CA? ये देखो RCHO यहाँ से निकाला एक मोल, एक मोल RCHO ऐसे निकाला, ठीक है? क्या बचा? CA CO3 और इधर से भी CA CO3 बचा, हाँ या ना? ये देखो CA CO3 CA CO3, तो दो मोल RCHO बन गया और दो मोल कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। अभी मैंने ऐसे लिखा होता RCO CA होल्ड बाय CA प्लस R डैश CO होल्ड बाय CA और हीट, तब क्या बनता? RCHO RCO R डैश और CA2 CO CO3, समझ में आ गया? कीटोन बन जाता, अब कीटोन बन गया। बट यहाँ यील्ड क्या है? वेरी पुअर। अरे यहाँ देखो ना, आर लग दिया ना, अब यहाँ पे आर डैश, तो क्या बन गया? कीटोन बन गया। निकालना हमेशा इस तरह से, ये इसलिए याद रखना ट्रिकी है कि इधर से निकालोगे और ऐसे याद रखने का तरीका, नोट करो। क्वेश्चन है, कंप्लीट करना है द फॉलोइंग। CH3 डबल बॉन्ड CH CH3 है, यहां मैंने लिखा O3 ZnH2O, A बना प्लस B बना, और B की ऑक्सीडेशन व्हाट अल्कलाइन KMnO4 से की गई, उससे क्या बना? C बना, ठीक है? B और A को तुमने हॉट अल्कलाइन KMnO4 से क्रिया रिएक्ट, ये बहुत अच्छा है, हॉट अल्कलाइन KMnO4 से किया तो क्या हुआ बोलो? D बना, नो रिएक्शन बोला, नो रिएक्शन ये दे रखा है। A की जब रिएक्शन हॉट अल्कलाइन KMnO4 से हुई तो नो रिएक्शन, बट B की जब की गई तो C बना। और फर्दर क्या बोल रहे हैं? इसकी रिएक्शन ये मिटा देंगे, इसकी इसकी रिएक्शन हमने कराई कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4, मतलब बेयर्स रिएजेंट से, किससे? बेयर्स रिएजेंट था ना 11th में, कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4, तो डी पी बना। और पी के बाद जब तुमने इसकी ऑक्सीडेशन HIO4 के साथ कराई, मैंने बोला था HIO4 काफी इंपॉर्टेंट रिएजेंट होता है, तो क्यू और आर बना, बताओ आइडेंटिफाई ऑल ऑफ देम, identify all the elements here. Products क्या क्या है? A B C D जो भी है, A B C P Q R identify करते हैं। कैसे करेंगे? Bayer से agent क्या करता था? Syn addition करता था, याद करो। Cis diol बनाता है, मतलब syn सेम साइड पे OH इधर और इधर OH लगाता है ना? तो P तो पक्का हो गया अपना CH3CH डबल बॉन्ड टूट जाता था और यहाँ पे एक OH आ जाता था और यहाँ पे बगल में एक OH आ जाता था, तो ये लोग मानते हो भाई P ये होगा, आया ना? पर HIO4 क्या करता है? पर आयोडिक एसिड बोलते हैं HIO4 को, यूज टू ऑक्सीडाइज ग्लाइकोल टू एल्डिहाइड और कीटोन, याद रखना HIO4 पर आयोडिक एसिड है। ऑक्सीडाइज क्या करता है? ऑक्सीडाइजेस एल्डिहाइड एंड कीटोन, सॉरी ग्लाइकोल टू एल्डिहाइड एंड कीटोन, ये काम करता है, याद रखना, रट लेना। ग्लाइकोल्स को ये हमेशा एल्डिहाइड एंड कीटोन में बदलेगा चाहिए, ठीक है, याद रखना है ये। तो बताओ क्या बनेगा? P
पी तो बना, पी बन गया, एच आई ओ फोर क्या बनाएगा ये बताओ। अरे ऑक्सीडाइज कर दो ना, ये देखो ये ऐसे काटोगे तुम, ऐसे जब काटा पी को और तो ऑक्सीडाइज किया तो क्या बनेगा, ये पार्ट ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाता है, कीटोन, कीटोन बना लेगा और ये पार्ट एल्डिहाइड बना लेगा, ठीक है। तो ये बन गया अपने क्यू और आर, हाँ यार ना पी एच आई ओफर के साथ रिएक्शन करे क्यू आर होता है। अब आ जाओ ओजोनोलिसिस पे, इसकी ओजोनोलिसिस करोगे तो दो प्रोडक्ट बनेंगे, यहाँ से काट दो ओजोनोलिसिस में क्या करते हो, यहाँ से ऐसे इसको एक ऑक्सीजन पकड़ा है, इसको एक ऑक्सीजन पकड़ा, क्या बनेगा कीटोन बनेगा, एक सी एस थ्री सी ओ सी एस थ्री प्लस एल्डिहाइड है ना, ये बना क्या ए और ये बना बी, क्यों, क्योंकि एक कीटोन फर्दर हॉट एल्केलाइन केमिकल बॉन्ड से रिएक्शन नहीं देगा और ये एसिड दे देगा, समझ रहे हो, तो बी की ऑक्सीडेशन हो सकती है, ये एसिड दे सकता है, तो ये ए हो गया कीटोन, ये बी हो गया एल्डिहाइड, पी क्यू, पी ये वाला था और क्यू वाला, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, याद रखो ये सारे रोल्स ऑफ ऑल द रिएजेंट, चाहे फोर क्या करता है। बेयर्स एजेंट क्या होता है, कोल्ड डाइल्यूट एल्कलाइन KMnO4, याद रखना कोल्ड डाइल्यूट एल्कलाइन एंड तीनों वर्ड यूज होने चाहिए। आगे करते हैं, तो वी हैव कंप्लीटेड द प्रिपरेशन मेथड्स इंपॉर्टेंट वंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, एंड नाउ वी विल गो टू द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड, वी विल गो टू द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। केमिकल रिएक्शंस या प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज करेंगे अब कैसे करेंगे, पहला क्या होता है इसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, सबसे पहले एल्डिहाइड कीटोन में हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे 100% क्वेश्चन एक्सपेक्ट करो, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका मतलब क्या है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का, मान लो हमारे पास ये sp2 कार्बन है, ये कैसा कार्बन होता है, कार्बोनिल कार्बन sp2, ये इसका शेप क्या है, प्लेनर बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, ठीक है। अब होता क्या है, ये जो कार्बोनिल कार्बन है इसमें ऑक्सीजन क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, पहले से इसका पॉजिटिव नेचर था, यहां डेल्टा नेगेटिव नहीं, पोलर बॉन्ड था ना, जितना डेल्टा पॉजिटिव कार्बन होगा उतना जल्दी न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा, हाँ डेल्टा पॉजिटिव कार्बन का नेचर बढ़ेगा तो न्यूक्लियोफाइल उस पे जल्दी अटैक करेगा, अटैक्स फास्टर, हाँ यार, और यहां पे अगर बल्की ग्रुप्स बढ़ेंगे तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक वीकर हो जाएगा, स्लोअर हो जाएगा, तो हम बोलेंगे स्टेरिक फैक्टर, ये क्या था, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, क्या था ये, डेल्टा पॉजिटिव कार्बन का बढ़ना कौन सा फैक्टर होता है, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर अगर बढ़ेगा डेल्टा पॉजिटिव कार्बन पे, या ऐसे बोलो इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ेगी, क्या बढ़ेगी, इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनिल कार्बन बढ़ेगी तो न्यूक्लियोफाइल विल अटैक फास्टर, यानी कि रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन मोर इंक्रीज होगा। दूसरी चीज, अगर स्टेरिक फैक्टर आए, स्टेरिक फैक्टर बढ़ा तो न्यूक्लियोफाइल की रेट क्या हो जाएगी, स्लो, अटैक स्लोली, यानी कि दो फैक्टर है, एक है इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर जिसकी वजह से रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर एंड स्टेरिक फैक्टर, समझ रहे मेरी बात,
इसके अंदर कार्बोनिल कंपाउंड्स ये याद, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल में अंदर नहीं घुस पाएगा ना, बल्कि ग्रुप होंगे तो न्यूक्लियोफाइल जल्दी अटैक नहीं कर पाएंगे। तो दो रीजन से रेट अफेक्ट होता है मेनली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का। इस पे क्वेश्चन अभी अभी 2022 जेईई मेन में आके गया है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो मान लो HCHO है हमारे पास और यहाँ पे RCO है, HO और यहाँ पे कीटोन है, RCO है ना, किसका रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ज्यादा है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का रेट HCHO का ज्यादा, क्यों? क्योंकि यहाँ डेल्टा पॉजिटिव सबसे ज्यादा और स्टेरिक फैक्टर कम, हाइड्रोजन तो हल्का ग्रुप है, यहाँ डेल्टा पॉजिटिव कम हो गया, डबल डेल्टा पॉजिटिव मतलब डेल्टा पॉजिटिव कम, यहाँ ट्रिपल डेल्टा पॉजिटिव और छोटा, डेल्टा जितना बढ़ेगा और छोटा डेल्टा पॉजिटिव, क्यों? क्योंकि यहाँ एच है, यहाँ आर ग्रुप है, आर कैसा होता है प्लस आई ग्रुप, और प्लस आई ग्रुप इलेक्ट्रॉन देने लगेगा तो डेल्टा पॉजिटिव कम हो जाएगा, यहाँ दो प्लस आर ग्रुप है, यहाँ इधर से भी दे रहा है इलेक्ट्रॉन, इधर से भी, और छोटा हो जाएगा डेल्टा पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर जब ये बोल रहे हैं तो बेसिकली ये रेजोनेंस या इंडक्टिव इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग फैक्टर बोल रहे हैं, प्लस आई या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अगर लगा हो तो उससे रिएक्टिविटी घटती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की, क्योंकि वो डेल्टा पॉजिटिव को कम कर देता है, ये क्या करता है डिक्रीज कर देता है डेल्टा पॉजिटिव का, इलेक्ट्रोफिलिसिटी को कम कर देता है कार्बन कार्बन। और न्यूक्लियोफाइल क्या यहाँ पे अटैक जल्दी करेगा? हाँ, क्यों? क्योंकि स्टेरिक फैक्टर भी कम है। तो दो फैक्टर यहाँ पे, सबसे अच्छी बात क्या है, यहाँ स्टेरिक फैक्टर बहुत ही कम है, सबसे कम है HCHO में, काफी लाइट ग्रुप्स है, और दूसरा प्लस आई एब्सेंट है, प्लस आई ग्रुप नहीं होने की वजह से डेल्टा पॉजिटिव हाई रहा, क्योंकि प्लस आई ग्रुप तो डेल्टा पॉजिटिव को कम कर देगा इलेक्ट्रॉन देके, तो यहाँ नो प्लस आई। तो वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपसे क्वेश्चन आ गया, बताओ रिएक्टिव रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। बताओ है ना, यही होगा एल्डिहाइड्स, फिर कीटोन ये वाला आ गया, फिर तब से वो आ गया। नोट कर लो, मान लो मैंने लिखा प्रोपेनॉल और बेंजल्डिहाइड, क्या लिखा? प्रोपेनॉल रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन बताओ किसमें ज्यादा, प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल क्या होता है CH3CH2CH और PHCHO, बेंजल्डिहाइड बताओ किसमें ज्यादा, PHCHO का रेट नहीं ज्यादा, इसका ज्यादा, क्यों? क्योंकि देखो PHCHO का मतलब हुआ ये ना, और ये रेजोनेंस में, रेजोनेंस में होगा तो ये डेल्टा पॉजिटिव काफी कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड रिएक्टर क्रिएट होगा जिससे डेल्टा पॉजिटिव बहुत तेजी से कम हो जाएगा, ठीक है? तो ये रीजन है रेजोनेंस यहाँ पे कि ड्यू टू द डिक्रीज इन इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ द कार्बोनिल कार्बन ड्यू टू रेजोनेंस डीलोकलाइजेशन है ना, डीलोकलाइजेशन के कारण इसमें बहुत ही कम अटैक होने, न्यूक्लियोफाइल इसको अटैक जल्दी इस कार्बन को नहीं करना चाहेगा क्योंकि इसको डेल्टा पॉजिटिव क्या हो गया कम,
क्योंकि रेफरेंस में जा चुका है, यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर क्रिएट हुआ है ना भाई, ऐसे बनाते थे ना भाई पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर को, ये डॉट 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 लगाते थे, यहाँ डेल्टा नेगेटिव डालते थे, डॉट 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 है ना, और यहाँ डेल्टा पॉजिटिव डालते थे, यहाँ डेल्टा पॉजिटिव और यहाँ डेल्टा पॉजिटिव, ये हाइब्रिड हो गया ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर देखो इधर से भी आया इधर से भी आया, तो इस पे क्या हो गया, डेल्टा पॉजिटिव कम हो गया, ठीक है ये आ गया क्लियर, कोई टफ नहीं है, बहुत आसान है, आगे बढ़ते हैं। तो पहला एडिशन ऑफ HCN, इसका एग्जांपल क्या है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का, पहला HCN हाइड्रोजन साइनाइड का एडिशन जब करते हैं तो क्या होता है देखते हैं, एडिशन ऑफ HCN, देखो HCN क्या है, H+ जल्दी नहीं देता, HCN वीक है ना, HCN H+ जल्दी देगा क्या, नहीं, ये बहुत धीरे धीरे देगा, वेरी स्लो देगा, बट बहुत ही स्लो रिएक्शन होती है एक्वस मीडियम, है ना। तो हम क्या करते हैं, एक बेसिक मीडियम ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, तो पहले HCN के को जो है बेसिक मीडियम में डालते हैं, बेसिक मीडियम में डालोगे तो क्या होगा, H2 निकल जाएगा और CN- जनरेट हो गया, यानी कि हमारा एम क्या था, न्यूक्लियोफाइल जनरेट करना, क्योंकि हमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करना है, तो पहले स्टेप पे हम क्या जनरेट कर रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल, तो हमने क्या किया, न्यूक्लियोफाइल जनरेट किया, अब हमारे पास कार्बोनिल कार्बन है ना, हमने सीएन माइनस इस पे अटैक कर दिया न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल अटैच डेल्टा पॉजिटिव कार्बन बताया था ना, ये बॉन्ड ऐसे खुल जाएगा, क्या बन जाएगा देखो, सीओ माइनस और सीएन आया ना, और फिर क्या होगा, प्रोटॉन ले लेगा ये मीडियम से, तो क्या हो जाएगा बोलो, OH और CN, yes or no, क्या बन गया, साइनोहाइड्रिन, क्या बन गया, साइनोहाइड्रिन की फॉर्मेशन हो गई HCN के साथ, नोट करो। ठीक है, ये सारी रिएक्शन कैसी है, रिवर्सिबल होती है, इसलिए
इसको जैसे ही बनेगा कंटेनर में हटा लो तो और फास्ट हो जाएगी। यूजफुल सिंथेटिक इंटरमीडिएट्स, यूजफुल सिंथेटिक इंटरमीडिएट इतना यूज रहते हैं, ठीक है। यूजफुल क्या बोलेंगे, सिंथेटिक इंटरमीडिएट्स होते हैं साइनोहाइड्रेट्स। एडिशन ऑफ HCN पहला एग्जांपल है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के अंदर, दूसरा एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड या सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड बोलते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड क्या होता है NaHSO3 जो कार्बोनिल कंपाउंड है एल्डिहाइड या कीटोन होगा, उसमें हमने क्या डाल दिया NaHSO3, ये प्लस पार्ट है, ये क्या है माइनस, इसको ऐसे लिख सकते हैं SO3 को SO2H, ये काम करो तो ऐसे लिख रहे थे SO3H करके लिख देते, ठीक है। NaHSO3 को मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ NaSO3H, और क्या हो जाएगा जब इस पर रिएक्शन होगी तो ये जो है ऐसा लिखने लगेगा, अटैक होगा किसका SO3H का ना, SO3H पार्ट अटैक करेगा तो यहाँ पे ONa आ जाएगा और SO3H यहाँ आ जाएगा, फिर क्या होगा इंटरनल प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाएगा, क्या हो जाएगा मतलब ये H इधर चला जाएगा, अरे होता था ना सोडियम फिनोक्साइड में जैसे होता था H प्लस ट्रांसफर करके OH बनाने फिनॉल बना लेता था, उसी तरह यहाँ पे अब क्या होगा OH और ONa इधर आ जाएगा SO3Na इधर आ गया, ठीक है ना, क्लियर हो गया। ये बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट बोलते हैं, तो बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट, और ये कैसा होता है क्रिस्टलाइन होता है, इसका नेचर क्या होता है क्रिस्टलाइन नेचर होता है, और ये वाटर सॉल्युबल भी होता है, याद रखना है क्रिस्टलाइन एंड वाटर सॉल्युबल, रट लो, पानी में आराम से डिसॉल्व हो जाता। और अगर मैंने इसकी रिएक्शन, मुझे चाहिए वापस ये एल्डिहाइड या कीटोन जो भी था इससे, तो मैं इसमें क्या डाल दूंगा मिनरल एसिड डाल दो, क्या डाल दो मिनरल एसिड या एल्कली डाल दो, तो वापस डायरेक्टली जो ओरिजिनल कंपाउंड था मिनरल एसिड या एल्कली डाल दो, मतलब HCl डाल दिया डाइल्यूट या NaOH डाल दिया, है ना, तो क्या हो गया वापस किस में आ गया कार्बोनिल कंपाउंड में, ठीक है। सो बोलेंगे हाउ विल यू गेट बैक कार्बोनिल कंपाउंड फ्रॉम दिस सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन कंपाउंड, तो वी कैन एड डाइल्यूट मिनरल एसिड और एल्कली, है ना, देयरफॉर therefore अब क्योंकि ये ऐसा कर सकता है therefore they are, they मतलब bisulfite addition compound है ना, therefore bisulfite addition compounds are, bisulfite addition compounds are यहाँ लिख रहा हूँ useful for separation and purification of aldehydes only, separation and क्या purification of aldehydes, mainly aldehyde के लिए use किया जाता है, ketone के लिए नहीं, कीटोन की रिएक्टिविटी रेट बहुत कम होती है, ये इक्विलिब्रियम राइट साइड को किसकी तरफ किसके लिए होता है सिर्फ एल्डिहाइड के लिए इक्विलिब्रियम राइट साइड की तरफ जाता है, कीटोन के लिए लेफ्ट की ओर हो जाता है इक्विलिब्रियम, तो ये यूजफुल कीटोन के लिए एल्डिहाइड के लिए, एल्डिहाइड के लिए क्योंकि एल्डिहाइड विल सपोर्ट द फॉर्मेशन ऑफ बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट, सो दे आर यूजफुल फॉर सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड्स ओनली, फॉर कीटोन्स दिस रिएक्शन इज इन बैकवर्ड डायरेक्शन, मतलब रिवर्स जो इक्विलिब्रियम है वो पीछे होता है लेफ्ट साइड पे होता है, समझ रहे हो, तो बाइसल्फाइड का भी एडिशन देख लिया हमने, दो हो गए, तीसरा है एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, क्या है ये तो पढ़े हुए हो आरएमजीएस की रिएक्शन एचसीएचओ के साथ बताया था, इन जनरल बताया था सीओ है आरएमजीएक्स है
तो क्या होता है, ये माइनस इस पे अटैक करेगा, क्या बनाएगा CO माइनस और R, और फिर यहां पे हम क्या डाल देते पानी, तो क्या हो जाता था HCOR, है ना, ये तो पता ही है अल्कोहल बनते थे। अब तुम्हें 1 डिग्री अल्कोहल बनाना, तो यहाँ H और H डाल दो, तो वहां 1 डिग्री अल्कोहल, R और H डालोगे तो 2 डिग्री अल्कोहल, R और R डालोगे यहाँ पे तो 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा, ये तो बता चुके हैं ना। तो इसको मैं यहाँ पे डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बट वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। एडिशन ऑफ अल्कोहल्स, एडिशन ऑफ अल्कोहल में क्या होता है, जैसे मान लो एल्डिहाइड हमने लिया, हमने अब इसमें दो केस है, पहला हमने लिया एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का एडिशन करते हैं अल्कोहल के साथ, मान लो R डैश OH ले लें, और किसके प्रेजेंस में, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, HCl एनहाइड्रस लेना है, एसिड लिक मतलब एसिड नहीं लेना है, हमें HCl गैस लेनी है, HCl एसिड नहीं लेना याद रखना, नहीं तो वापस ये रिएक्शन ये बना देगी। HCl गैस लेंगे तो क्या बनेगा, पहले आपको मिलता है इससे यहां पे मैं अच्छा इस लिख दिया, ठीक है, ओ एच ओ आर डैश मिल जाएगा, और यहां आर और एच रहेगा, आर एच तो है ही ये वाला आर एच, और यहां पे एक्स्ट्रा क्या जुड़ गया, इस पे ओ एच तो लगेगा ही, अब यहां से ओ आर डैश भी आ गया, ठीक है, क्लियर। इसको बोलते हैं हेमी एसिड, क्या बोलते हैं, एसिटल बनता है पहले स्टेप पे, पहले स्टेप पे अगर एक इक्वालेंट लोगे, कितना, एक इक्वालेंट मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का, ये कैसा अल्कोहल है, मोनोहाइड्रिक, एक इक्वालेंट मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का लोगा तो हेमी एसिटल बनेगा, लेकिन अगर तुमने एक्सेस में ले लिया, देखो अब आगे जा रहे, और यहां फिर से आर ओ एच ले लिया या आर डैश ओ एच ले लिया, और रिवर्सिबल है तो एच प्लस डाल दोगे, एसिड मैंने बताया था वापस रिवर्सिबल हो जाएगी, तो याद रखना मिनरल एसिड या अल्कली डालने पे वापस, तो अब यहां देखो इधर आओ, अगर ऐसा हो गया तो क्या बनेगा बताओ, एसिटल बन जाएगा ओ आर डैश एंड ओ आर डैश, ठीक है, तो बोलेंगे क्या एसिटल, अरे ये क्या है हाइड्रोक्सी ग्रुप है और ईथर ग्रुप है ना, yes. और ये क्या है जेम डाई अल्कोक्सी ग्रुप, जेमिनल है ना, एक ही कार्बन पे जब दो ओ आर डैश हो या एक ही कार्बन पे सेम ग्रुप हो दो तो जेमिनल होता है ना वो, तो इसका नाम क्या है एसिटल, क्या है बेसिकली एसिटल्स आर नथिंग बट जेम डाई अल्कोक्सी कंपाउंड्स, ऐसे ही बोल सकते हैं, एसिटल्स आर जेमिनल डाई अल्कोक्सी कंपाउंड, दो अल्कोक्सी ग्रुप्स हैं इसमें ईथर के, क्लियर हुआ, ठीक है। तो ये आपको ऐसे क्वेश्चन, और वाटर तो निकलेगा इस साथ में, क्या निकलेगा वाटर, एनी डाउट यहां तक पूछना है कुछ पूछो, तो बोलेंगे व्हाट इज द रोल ऑफ ड्राई एचसीएल, ये जो एचसीएल है dry HCl gas, why? Why, what is the role of it? Role of dry HCl gas. क्या करता होगा? तो ये dry HCl gas क्या करता है? Oxygen जो है ना ये वाला, ये जो aldehyde है ना, carbonyl carbon का जो oxygen है ये, इस पे ये protonation कर देता है, तो H यहाँ जुड़ जाएगा HCl से, ये जो H है oxygen के lone pair, इसको attack करेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा? Protonation हो गई कि नहीं? अगर protonation होगा तो oxygen क्या करेगा? उसको positive आ गया है, तो ये क्या करेगा? बोलेगा भाई electron चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, तो ये क्या करेगा अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचना चाहेगा, तो इस पे इस कार्बन पे क्या क्रिएट होने लगेगा पॉजिटिव, तो ये इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनिल कार्बन बढ़ा रहा है, HCl को इसलिए डाला गया कि भाई कार्बन को और पॉजिटिव करो जिससे न्यूक्लियोफाइल जल्दी अटैक करे, समझ रहे भाई बात, ये न्यूक्लियोफाइल कौन है यहाँ पे ROH का जो O का लोन पेयर है वो न्यूक्लियोफाइल है, उसको यहाँ अटैक करना है, बट वो कब जल्दी अटैक करेगा ये, जब ये ऑलरेडी प्रोटोनेटेड हो पहले से, जिससे यहाँ डेल्टा पॉजिटिव पहले से हाई क्रिएट होगा कि नहीं, ये मतलब
अभी मैकेनिज्म समझेंगे, पहले ये समझो, नोट करो। ये एल्डिहाइड के साथ हो गया, एल्डिहाइड के साथ क्या बना, हेमी एसिटल या एसिटल, और अगर कीटोन के साथ लेते तो डाइहाइड्रिक अल्कोहल ले लेते। मान लो, मान ले कीटोन लिया, आर कीटोन पे ऐसे बना दे मिक्स, ठीक है, और डाइहाइड्रिक अल्कोहल ले लिया ग्लाइकोल, इथिलीन ग्लाइकोल होता है, इथेन 1,2-diol, ठीक है, डाइहाइड्रिक ग्लाइकोल ले लिया, इथिलीन ग्लाइकोल है, इथेन 1,2-diol होते। तो इससे क्या होगा, जब इसकी रिएक्शन इस पे कराओगे तो ये देखो क्या होगा, यहाँ पे ये भी कौन से मीडियम में होगा, एसिडिक, सेम मीडियम वही है, ठीक है ना, मीडियम क्या है बोलो, HCl गैस, और रिवर्सिबल करना हो तो क्या डाल दो, डाइल्यूट HCl है ना, एसिड डालोगे तो रिवर्सिबल हो जाएगी। तो इससे क्या बनेगा देखो, अब सुनो, याद करने का तरीका देखो, यहां से क्या निकाल दो, पानी क्या निकाल दे, और इनको चिपका दे, निकाल दो, यहां से पानी निकाल दे, इस कार्बन के दो बॉन्ड फ्री हुए, उस पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन लग गया, तो ये देखो साइक्लिक कंपाउंड बन गया, ऐसा बन गया कि नहीं, है ना, और वाटर तो निकल गया, तो इसको क्या बोलेंगे, कीटल, इथिलीन ग्लाइकोल कीटल। ये क्या था, एसिटल, एल्डिहाइड से बना क्या, और ये देखो ये भी ओआर ओआर था, ये भी क्या है, ओआर ओआर जैसे ही तो है, बट साइक्लिक है, तो इथिलीन ग्लाइकोल कीटल, कीटोन से बन रहा है, इसलिए कीटल बोल, कीटल अलग है, कीटोल अलग है ना, वो अलग है, कीटल बोल रहा हूं मैं, कीटोल नहीं बोल, कीटोल अलग चीज होती है, इथिलीन ग्लाइकोल कीटल, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, तो ये भी रिवर्सिबल है, और ये कीटोन के साथ होता है, एल्डिहाइड के साथ एसिटल बनता है, अल्टीमेटली दो इक्विवेलेंटली है इसके, और उसका उसके साथ डायरेक्टली कीटल बनता है, साइक्लिक, ठीक है, बस ये हो गया। और लास्ट एडिशन ऑफ कौन सा पार्ट है, अभी बताओ, अभी कौन सा केमिकल प्रॉपर्टी देख रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ही चल रहा है, अभी भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन चल रहा है, ए बी सी डी पहुंच चुके हैं, अब हम ई पार्ट पे चलते हैं, जल्दी नोट करो, ई पार्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, नोट करो जल्दी से, फिर आगे बढ़ा जाए। एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स, ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स, है ना, अच्छा मैंने उसकी मैकेनिज्म नहीं बताई ना मैंने, हाँ एसिटल की मैकेनिज्म, ये जो हमने एल्डिहाइड से जैसे हमने क्या बनाया था एसिटल, तो उसकी मैकेनिज्म भी देख लो, ये बाद में करते हैं एडिशन ऑफ अमोनिया, पहले राइट में मैं आपको मैकेनिज्म बता देता हूँ, फिर आते हैं मैकेनिज्म बता देता हूँ, ठीक है, किसकी मैकेनिज्म, किस रिएक्शन, जो मैंने लिखी थी ना हेमी एसिटल, सॉरी एसिटल बन रहा है जिसमें, तो उसकी मैकेनिज्म यहाँ लिख दे रहा हूँ जिससे क्लियर हो। देखो पहले स्टेप पे क्या था बताओ, एल्डिहाइड था, इस पे कौन अटैक करेगा, ऑक्सीजन का लोन पेयर न्यूक्लियोफाइल था,
अटैक किया, खुला तो भाई आर सी ओ माइनस बना, यहाँ पे क्या आया ओ आर एच और आर, हाँ या ना देख लो, अरे ओ आर एच तो और ओ पे क्या है पॉजिटिव, क्योंकि ओ ने अपना नोन कर दिया ना, एक नोन कर दिया तो ओ पे पॉजिटिव आया, क्यों yes. देखो आर सी ओ पे नेगेटिव आया इस वाले yes. और ये एच, ये वाला एच, समझ में आया। अब क्या होगा, इंटरनल इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफर होगा, क्या होगा ये नेगेटिव इस एच को खींच लेगा, तो क्या हुआ हम बोलेंगे इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफर। क्या बना देखो सी ओ एच ओ आर बना कि नहीं, एच हेमी एसिडल बन चुका है, तो हेमी एसिडल तक पहुंच गए, यस और नो। अब तुम्हारा एच सी एल भी है कि नहीं तुम्हारे पास, तो ये लोन पेयर किस पे अटैक कर देगा, एच पे, तो क्या बना लेगा आर सी ओ आर एच और यहाँ ओ एच एच है ना, प्लस वाटर निकलेगा, वाटर इज अ गुड लीड ग्रुप निकल जाएगा, क्या बनेगा आर सी प्लस ओ आर एच, देख लो फिर कौन आएगा, अल्कोहल एक बार मोल डाला था तुमने, सेकंड मोल डाला, इस पे अटैक किया, क्यों क्या बनेगा आर सी ओ एच आर प्लस ओ आर एच, यस और नो, फिर क्या होगा ये एच प्लस निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन देके इसको, है ना, अरे एसिडिक मीडियम कैटलिस्ट है ना वो, ओ आर सी ओ आर आर एच आया ना, देखो एसिटल बन गया कि नहीं, नोट करो। पहले मैकेनिज्म आई या रिएक्शन हुई होगी, रिएक्शन करी होगी ना लैब में, मैकेनिज्म तो बाद में बनाएगी इसको समझाने के लिए, तो अलग अलग लोगों के अलग अलग वर्जन मैकेनिज्म के। बट द क्लोजेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल वन इज टेकन एज द एक्चुअल मैकेनिज्म, जिसमें कोई भी कॉन्ट्रडिक्शन ना हो लॉ का, जो केमिस्ट्री में लॉज है। देखा क्या सर, हां बोलो, पहले जो एचसीएल लाते हैं वो इसके करके सीएल में हो जाता है, हैं कहां हुआ है, हैं इधर एचसीएल डाला तो सीएल निकल गया, फिर वाटर जब निकल जाता वाटर आ गया, फिर सी पे पॉजिटिव आ जाता है, किधर सी पे पॉजिटिव आ जाता है, हां तो उससे पहले हमने आरओएच डाला हुआ है ना, तो सीएल की भी हो जाता है, तो बोले आरओएच डाल दिया ना हमने, उसको अलग कर लिया, Cl- हाइड्रेट हो गया, Cl- आयंस क्या हो गया हाइड्रेट हो गया, ठीक है, और हाइड्रेट हो गया और हमने क्या डाल दिया वहां पे अल्कोहल, तो वो जब तक हाइड्रेट में खुश था उससे ज्यादा रिएक्टिव तो ये है, ठीक है, ये जल्दी हाइड्रेट नहीं होगा जितनी जल्दी Cl- होगा, क्योंकि बल्ब बड़ा है ना, सराउंड ही नहीं कर पाएंगे इसको, ठीक है, एनी डाउट। तो हमने एडिशन, अब हम देखने आ रहे हैं एडिशन ऑफ अमोनिया एंड डेरिवेटिव, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस पे क्वेश्चन एक्सपेक्ट करो आप, एक मिनट आ रहा है। ये देखो इसकी ट्रिक क्या है, अगर कार्बोनिल कंपाउंड है आया ना, अमोनिया के डेरिवेटिव को ऐसे लिख सकते हो NH2Z, अरे H लगा दोगे तो अमोनिया बन जाता, Z की जगह H लगा दो क्या बन जाएगा अमोनिया, तो इसके तो यहां से क्या करो ऐसे लिख दो अमोनिया या कोई भी डेरिवेटिव उसका ऐसे ही दिखने वाला है, यहां से H2 निकाल लेगा क्या बनाने का NZ, बट ध्यान क्या देना है, ध्यान देने वाली बात यह है कि जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो रेजोनेंस में नहीं होना चाहिए किसी चीज के साथ,
जैसे मान लो जेड के अंदर कोई चीज ऐसी है जिसके साथ ये लोन पे रेजोनेंस में जा रहा है, तो फिर ये नहीं गलत है, फिर तब यहां से H2 नहीं निकलेगा, बेसिकली यहां से H2 नहीं निकलेगा अगर नाइट्रोजन का लोन पे रेजोनेंस में है किसी के साथ जेड के अंदर जो कोई ग्रुप है। समझ में आया क्या? यस सर। जैसे ये आ गया NH2CONH2 आ गया है ना, बताओ नाइट्रोजन या NHNH2, बताओ नाइट्रोजन क्या यहां से H निकाल पाएगा? ये वाला नाइट्रोजन H2 निकाल पाएंगे क्या इसका? नहीं, क्यों? क्योंकि लोन पे रेजोनेंस में है। तो फिर किसका H2 निकालेंगे? इस नाइट्रोजन, क्योंकि ये रेजोनेंस में नहीं है, फिर इसका H2 खींच के डालेंगे इसके साथ। समझ में आया? वेरी इंपॉर्टेंट। उसी पे ट्रिक करेंगे जो बताया ना अभी, उसी पे क्वेश्चन आएंगे तुम्हें। तो Z क्या क्या हो सकता है? इफ Z इज इक्वल टू H, देखते हैं केस बाय केस। अगर Z H है तो यहां पे NH2H लिख सकते थे, हाँ या ना? तो अमोनिया है ना, ये क्या है? अमोनिया। अमोनिया, और अमोनिया से जब तुमने पानी निकाला क्या बना? हिमीन। क्या बन गया? हिमीन। कहां देखा था हमने? स्टीफन रिडक्शन में ही बनता था, ठीक है, और वाटर। तो ये हो गया पहला। इफ Z इक्वल टू एनी एल्काइल ग्रुप एक्सेप्ट H, मतलब Z कोई एल्काइल ग्रुप है R, तो यहां पे H2NR होगा। ये क्या था? 1 डिग्री अमीन था कि नहीं? प्राइमरी अमीन के साथ यानी कि रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा? सब्स्टिट्यूटेड अमीन बनेगा। क्या बनेगा? सब्स्टिट्यूटेड अमीन। और एनसीईआरटी इसको क्या नाम देती है? सब्स्टिट्यूटेड अमीन को बोलती है शिफ्ट बेस। क्या बोल रही है? है ना, हम लोग टेस्ट टू डिस्टिंग्विश में देखेंगे कि ये कुछ और ही चीज है, बट अभी के लिए तुम ऐसे याद करो, ठीक है। इफ Z इक्वल टू OH, तो Z OH हो गया, तो इसका क्या नाम है? हाइड्रोक्सिल अमीन। हाइड्रोक्सिल अमीन, हाइड्रोक्सिल अमीन की रिएक्शन कराओगे अगर तुम, तो क्या बनेगा यहां पे? ऑक्साइन। क्या बनेगा? इस टाइप की स्पीशीज ऑक्साइन कहलाती है, ठीक है। अगर Z NH2 हुआ तो ये क्या है? हाइड्राजीन है, ठीक है, हाइड्राजीन। लास्ट ईयर एल्केन में भी ट्रांसफर हाइड्रोजनेशन में पड़ा था। H2 निकाल दो यहां से, क्या बन गया? है हाइड्राजोन। इसको क्या बोलते हैं? हाइड्राजीन से बना हाइड्राजोन। अगर Z ये ग्रुप है NH और PH, NH PH है अगर, तो क्या होगा? क्या बनेगा देखते हैं? NH2 NH क्या PH, ये बताओ ये क्या है? अगर ये हाइड्राजीन था तो ये क्या बोलेंगे? फिनाइल हाइड्राजीन है ना, फिनाइल हाइड्राजीन है ये। फिनाइल हाइड्राजीन से क्या बनेगा? फिनाइल हाइड्राजोन ही बनेगा। H2 निकाल दो तो जो बनेगा उसको क्या बोलेंगे? फिनाइल हाइड्राजोन बोलेंगे, हाँ या ना? ये मिटा दें, ये सेट हो गया। जल्दी नोट करो फिर आगे बढ़ो। हो गया ये सेट। If Z is NH, NO2, NO2, तब क्या होगा? ये भी किसका भाई है? हाइड्रोजन का ही जैसा दिख रहा है ना, तो ये 2.4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन,
नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोलिसिस। देखो टू और फोर पे है ना, टू और फोर पे डाइनाइट्रो ग्रुप लगे हैं और ये फिनाइल ग्रुप पे और ये हाइड्रोजन का पार्ट। तो इससे क्या बनेगा, यहां से पानी निकाला तुमने तो हाइड्रोजोन कौन सा, 2.4 DNPH। इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं 2.4 DNP रिएजेंट भी बोलते हैं। और इससे यहां जो बना इसको बोला 2.4 DNPH डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन, समझे कि नहीं? यस। 2.4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। और ये जनरली ऑरेंज रेड पीपीटी टाइप की चीज होती है। क्या होती है? ऑरेंज रेड पीपीटी, वर्ड प्रॉब्लम में पूछा जा सकता है। DNPH हाइड्रोजन नहीं, सॉरी हाइड्राजोन है ना, हाइड्राजोन है ठीक। और लास्ट में इफ दैट इज इक्वल टू NHCONH2। बताइए ये हाइड्रोजन निकल सकता है? हाँ, क्यों? क्योंकि रेजोनेंस में नहीं है CO के साथ। ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएंगे, वाटर निकालेंगे यहाँ से, यहाँ से हाइड्रोजन ना निकल देना क्योंकि ये रेजोनेंस में, तो क्या बनेगा? इसको बोलते हैं सेमी कार्बाजाइड। इसको इस कंपाउंड बोलते हैं सेमी कार्बाजाइड। इसके इससे क्या बनेगा, इससे जो बनता है उसको बोलते हैं सेमी कार्बाजोन, सेमी कार्बाजोन, सेमी कार्बाजाइड, सेमी कार्बाजोन। यहां से पानी निकलेगा, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये। खासकर इस पे ट्रिक करते हैं ना, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसी पे ट्रिक करेंगे आपको, क्योंकि ये रेजोनेंस वाला फंडा यहां पे लग रहा है ठीक है, नोट कर लो। सो हमने अमोनिया डेरिवेटिव की सारी बातें कर ली, एक दो क्वेश्चन करते हैं फिर लेक्चर खत्म करते हैं। व्हील आ गया क्या? तो क्वेश्चन आएगा ऐसा, यहां लिख रहे मान लो ये दे दिया तुम, और यहां लिख दिया रहो, ये भी वही है, यही चीज है सेमी कार्बाजाइड, पर इसको घुमा के दे दिया, फ्लिप करके दे दिया जिससे तुम गलती करो। ये जा रहा है तुम गलती करो, सब लोग क्या करेंगे यहां से पानी निकाल देंगे, गलत। हाँ, यहां से पानी निकाला तो तुम्हारी गलती यहीं पे गलत हो गए। तो हमें पहले फ्लिप कर देना है मॉलिक्यूल और फिर पानी निकालना है ठीक है। तो इसको रीराइट कर लो, इस क्वेश्चन को कैसे लिखोगे, इसको रीराइट कर लो। रीराइट करने के लिए NH2N NHCO ऐसे घुमा दिया हमने, इस मॉलिक्यूल को फ्लिप कर दिया और फिर पानी निकाल दिया यहां से, अब सही है। ये बन जाए ठीक है। तो बस आज के लिए इतना, नेक्स्ट क्लास में केमिकल प्रॉपर्टी कंटिन्यू करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट लेक्चर, टॉलरेंस टेस्ट, फेलिंग्स टेस्ट सब होगा उसमें डिस्कस, लैब प्रैक्टिकल के भी इंपॉर्टेंट चीजें उसमें बताएंगे।